है, डाउनकास्ट मतलब जहां से हवा नीचे जाता है, वेंटिलेशन एयर नीचे जाता है, और ये इनटेक, इनटेक जो है उसमें फ्रेश एयर रहता है, और फ्रेश एयर को या इनटेक एयर को हमेशा ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है इनटेक एयर। फिर यहाँ पे वर्किंग से होके जाने के बाद ये एयर फिर रिटर्न में जा रहा है। रिटर्न एयर को हमेशा रेड से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ये रेगुलेटर है, ये पढ़ेंगे आगे हम लोग। डोर्स, रेगुलेटर, एयर क्रॉसिंग, ठीक है, बूस्टर फैन, मेन फैन, और ये अपकास्ट शाफ्ट। ठीक है, स्टॉपिंग्स नहीं हुआ था ना? नहीं सर। नहीं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, कुछ बचे हुए हैं। स्टॉपिंग्स आर यूज टू ब्लॉक ऑफ एन ओल्ड रोडवे विच इज नो मोर रिक्वायर्ड फॉर हॉलेज ट्रेवलिंग और वेंटिलेशन पर्पस एंड टू क्रिएट एनी क्लोज कनेक्शन बिटवीन मेन इनटेक एंड मेन रिटेन। स्टॉपिंग जो है मेन मेन इनटेक और रिटर्न के बीच में बनाया जाता है, किसी भी चीज को मतलब रोकने के लिए। ठीक है, ये ब्रिक का होता है, ब्रिक और पूरा दीवार टाइप का बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग। सिंपल सा दीवार टाइप के बीच में बना देते हैं ताकि कुछ हवा, वेंटिलेशन, एयर, इंसान भी ना जा सके, हॉलेज भी ना जा सके, उसी को स्टॉपिंग बोलते हैं। एवरी स्टॉपिंग इज मेड अप ऑफ आइदर ब्रिक वर्क और मैसनरी मतलब सीमेंट का, ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ 38 सेंटीमीटर। तो स्टॉपिंग का मिनिमम थिकनेस जो है 38 सेंटीमीटर होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से प्लास्टर्ड होना चाहिए विथ सीमेंट। तो जनरली जो अपन दीवार बनाते हैं वही है स्टॉपिंग। स्टॉपिंग क्यों बनाते हैं? हेलो, कोई बताओ स्टॉपिंग किस लिए बनाया जाता है? सही वर्किंग बंद हो गया तो उधर की हवा ना जाए। ताकि सर उधर की हवा, उधर की हवा ना जाए सर, बिल्ड ऑफ एरिया करने के लिए सर। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग इज प्रेफरेबल फॉर डिग्री टू एंड डिग्री थ्री माइंस, शुड बी एटलीस्ट 1.5 मीटर थिक। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग जो है 1.5 मीटर थिक ऑफ ब्रिक वॉल, और इसके बीच में जो है इनकम्बस्टिबल मटेरियल डाला जाता है। ठीक है, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में दो ब्रिक वॉल बनाए जाते हैं 1.5 मीटर, दोनों के बीच का गैप 1.5 मीटर रहता है, और द इंटरविनिंग स्पेस इज फिल्ड विद ब्रोकन रॉक, सैंड एंड क्ले। इन रॉक, सैंड एंड क्ले मतलब जो भी इनकम्बस्टिबल मटेरियल है जिसमें आग ना लग सके, उन चीजों से बीच में फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो ये है एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। यस सर। एयर क्रॉसिंग, एयर क्रॉसिंग शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। मटेरियल डालते हैं। कोई कुछ बोल रहा है? यस सर, वो अनकम्बस्टिबल मटेरियल सर, दो वॉल जो रहेगा सर उसके बीच में जो 1.5 मीटर का जो बोर है उसी के बीच में डालेंगे ना? हाँ, उसके बीच में डालते हैं, वो पूरा मिला के 1.5 मीटर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छा, 1.5 मीटर दोनों। का दीवार फिर कुछ डाले फिर 1.5 मीटर का दीवार, यस सर। वो पूरा मिला के 1.5 मीटर है जिसमें आगे पीछे जो है ठीक दीवार रहेंगे और बीच में वो मटेरियल रहेगा। ये एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का है, डिग्री टू एंड थ्री माइंस में बनाया जाता है। एयर क्रॉसिंग के बारे में एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। वेन एवर द रिटर्न एयर करेंट हैज टू क्रॉस द इनटेक एयर करेंट। ठीक है, इनटेक एयर और रिटर्न एयर को जब भी एक रास्ते से जाना होता है तो एयर क्रॉसिंग का उसमें यूज किया जाता है। अगर एयर क्रॉसिंग यूज नहीं करेंगे तो दोनों एयर जो है वो मिक्स हो जाएगा, दोनों एयर के मिक्स होने से फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा इनटेक और रिटर्न में। विदाउट मिक्सिंग इट विथ एयर क्रॉसिंग इट इज रिक्वायर्ड, एंड एयर क्रॉसिंग में बी आइदर ओवरकास्ट और अंडरकास्ट अकॉर्डिंग टू द एयरवे राइजेस ओवर और डिप्स अंडर द अदर एयरवे। एयर क्रॉसिंग को
रिटर्न एयरवे को ऊपर से भी ले जाया जा सकता है या नीचे से भी एज पर द सिचुएशन जो भी। इसमें एयर क्रॉसिंग देखे थे अपन पिछले स्लाइड में, ये है इसमें एयर क्रॉसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एयर क्रॉसिंग में क्या हो रहा है, ये जो इनटेक एयर है, फ्रेश एयर है, इसको भी यहाँ तक जाना है, तो ये यहाँ से पास कर रहा है और ये रिटर्न एयर को भी पास कर रहा है। तो यहाँ पे अपन एयर क्रॉसिंग बना देते हैं सच दैट इनटेक और रिटर्न एयर मिक्स ना हो पाए। तो यहाँ पे अगर अपन एक डक्ट बना देंगे ऊपर से या नीचे से, जनरली ऊपर से ही बनाते हैं, अगर रिटर्न एयर के लिए बना रहे हैं तो ऊपर से बनाते हैं क्योंकि रिटर्न एयर जो है थोड़ा गर्म और हल्का हो जाता है। तो ऊपर से एक डक्ट बना देंगे तो ऊपर से रिटर्न एयर निकल जाएगा और नीचे से इनटेक एयर, तो इसी को बोलते हैं एयर क्रॉसिंग। ये स्टॉपिंग का सिंबल है, देख लो, एयर क्रॉसिंग आ गया समझ में, कोई डाउट? हाँ, क्या बोल रहे थे बोलो सर? सिंबल बता रहे थे सर, अटक गया था उस टाइम, कौन सा वाला था? ये स्टॉपिंग का सिंबल बताया हूँ। एयर क्रॉसिंग का भी ऐसा ही होता है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, वो एरो एरो चारों साइड में बना रहता है, वो दिखाऊंगा अगर आएगा तो, वो है नहीं अभी सिंबल इसमें स्लाइड में। रेगुलेटर, रेगुलेटर्स आर यूज्ड फॉर सोल पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द एयर फ्लो टू अ डिजायर्ड क्वांटिटी इन अ गिवन एयर वे ऑफ द माइन। जैसे पंखा का जो रेगुलेटर होता है वो किस काम आता है, पंखा को स्पीड करने के लिए, स्पीड को, यस सर, या स्पीड को कम करने के लिए, ठीक है, ज्यादा करने के लिए। तो पंखे की स्पीड को कम ज्यादा कर देंगे तो हवा ज्यादा आएगा और कम कर देंगे तो हवा कम आएगा। तो सेम ये इसी रीजन से रेगुलेटर यूज होता है माइंस में भी, ठीक है। अगर हवा ज्यादा जा रहा है, ज्यादा प्रेशर से जा रहा है, उसको कम करना है तो रेगुलेटर को खोल देते हैं। रेगुलेटर वैसे ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं होता, एक खिड़की टाइप का होता है, ठीक है, एक खिड़की टाइप का होता है माइंस में रेगुलेटर। तो अगर गैलरी डक्ट कहीं भी लगा हुआ होता है, अगर अपने को एयर का क्वांटिटी रिड्यूस करना होता है तो वो रेगुलेटर को खोल देते हैं तो एयर जो है दूसरी तरफ चला जाता है थोड़ा, और अगर ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो फिर उस रेगुलेटर को बंद कर देते हैं। तो इसमें रेगुलेटर जो माइंस में है वो एक खिड़की को बोला जाता है, ना कि जो जैसा कोई, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, ठीक है। रेगुलेटर्स आर यूजुअली रेक्टेंगुलर ओपनिंग लेफ्ट इन द स्टॉपिंग। रेक्टेंगुलर ओपनिंग मतलब वही खिड़की को, खिड़की भी रेक्टेंगुलर होता है। इन प्रैक्टिस रेगुलेटर ओपनिंग आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद अ स्लाइडिंग शटर। जैसे आजकल के जो खिड़कियां आती हैं पूरे स्लाइडिंग वाले आते हैं, वैसे ही रेगुलेटर को भी स्लाइडिंग शटर के साथ बनाया जाता है, ठीक है। स्लाइडिंग शटर विच हेल्प्स इन एडजस्टिंग द साइज ऑफ ओपनिंग टू सूट द रिक्वायरमेंट्स। स्लाइडिंग शटर से क्या होगा कि अपने को जितना साइज का ओपनिंग चाहिए होता है उतना हम खोल सकते हैं। अगर ज्यादा ओपनिंग चाहिए, अपने को ज्यादा हवा बाहर निकालना है तो ज्यादा खोलेंगे, और अगर कम ओपनिंग चाहिए तो कम खोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेटर। रेगुलेटर इज अ रेक्टेंगुलर ओपनिंग मेड फॉर रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ एयर, रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है, इसलिए रेगुलेटर का यूज किया जाता है। रेगुलेटर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये रेगुलेटर है, इसको बस सिंपली आर लिख दोगे तो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है ये रेगुलेटर। यहाँ पे उल्टा आ रहा है सर, क्या आ रहा है उल्टा? आर उल्टा है, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा है। समझ में आना चाहिए कि आर है बस, उस साइड से दूसरे साइड से देखने वालों के लिए सीधा है। सर एक डाउट है। हाँ हाँ पूछो सर। वो डायग्राम में ये है स्टॉपिंग,
माउस दिख रहा है नहीं तो डेफिनेशन में सर ऐसा लिखा है ना स्टॉपिंग में बनाते हैं रेगुलेटर स्टॉपिंग में एक ओपनिंग बना देते हैं वही रेगुलेटर है रेगुलेटर स्टॉपिंग में भी बना सकते हैं और ये तुम्हारा गैलरी में भी बना सकते हैं गैलरी में नहीं बनाते जनरली पैनल और जहां वर्किंग हो रहा है वहां पे भी बना सकते हैं समझे यस सर यस सर कौन पूछ रहा था तारिक यस सर रेगुलेटर एक ओपनिंग है रेक्टेंगुलर खिड़की टाइप का है तो वो स्टॉपिंग में भी बना सकते हैं अगर वेंटिलेशन स्टॉपिंग है एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में तो रेगुलेटर नहीं बना सकते अगर वो वेंटिलेशन स्टॉपिंग है 38 सेंटीमीटर ब्रिक वॉल का बना है तो उसमें अपन बना सकते हैं रेगुलेटर ठीक है रेगुलेटर हो गया डोर्स डोर्स जो सिंपल डोर होते हैं घर में वही डोर है व्हेन द एक्सेस एक्सेस थ्रू स्टॉपिंग बिकम एसेंशियल देन डोर्स आर यूज्ड डोर्स शुड बी प्रेफरेबली ओपन ऑन वन साइड सिर्फ एक साइड खुलना चाहिए डोर आई द हाई प्रेशर साइड डोर जो है हमेशा कोई कुछ पूछ रहा है डोर जो है हमेशा हाई प्रेशर साइड के तरफ खुलना चाहिए हेलो यस सर शुड बी प्रेफरेबली ओपन ऑन वन साइड आई हाई प्रेशर साइड ओपनिंग इन अदर डायरेक्शन चेक्ड बाय द फ्रेम अगर दूसरे तरफ से अगर ओपन हो रहा है तो उसको फ्रेम से मतलब ऐसा बनाना चाहिए कि ओनली वन साइड में ओपन हो ये है डोर डोर हमेशा हाई प्रेशर साइड ओपन होना चाहिए ठीक है डोर्स जो सिंपल डोर होते हैं सिंगल ये वाले वो डोर है ठीक है तो जो एयरलॉक अभी तक समझ में आ गया ना यस सर ठीक है एयरलॉक देख लो अब एंड एयरलॉक इज अ सेट ऑफ टू डोर्स टू इंस्टॉल दैट वन ऑफ देम इज ऑलवेज शट व्हेन द अदर इज ओपन टू पास मैन टब्स और अ ट्रेन एयरलॉक जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू डोर्स रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू डोर्स को एयरलॉक बोलते हैं और ये कॉम्बिनेशन क्यों जरूरत पड़ता है आगे लिखा हुआ है इसमें ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली प्रेशर रिड्यूस करने के लिए जरूरत पड़ता है दिस नॉट ओनली मिनिमाइजेस लीकेज बट बिकम्स एसेंशियल वेयर द वेंटिलेशन सिस्टम इज लाइकली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड सीरियसली बाय टू फ्रीक्वेंट ये पॉइंट को देख लो एक बार इंडियन कोल माइंस रेगुलेशन रिक्वायर दैट एयरलॉक शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन मेन इनटेक एंड रिटर्न एयरलॉक शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड वेयर द प्रेशर अक्रॉस द डोर इज हाई अगर प्रेशर अक्रॉस द डोर हाई है बहुत तो डोर को खोलना बहुत ही मुश्किल होगा ठीक है तो इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं दो डोर लगा देते हैं जैसे ये फिगर में दिया हुआ था ये यहाँ पे दो डोर लगे हुए हैं तो ये दो डोर लगने से क्या होता है एयर का लीकेज भी नहीं होता है और प्रेशर भी जो है रिड्यूस हो जाता है तो आप जो डोर खोलोगे तो उसमें कम एनर्जी लगेगा कम फोर्स लगेगा ठीक है इसीलिए दो डोर लगाए जाते हैं ताकि लीकेज भी ना हो और जो डोर खोलने में आसानी भी हो ये नेचुरली अगर कहीं मॉल वॉल में देखने को मिलता है या दुकान में फुल्ली एयर कंडीशन रहता है तो वो भी दो डोर लगाते हैं ठीक है कंटिन्यूटी में दो डोर लगाते हैं ताकि उसमें से जो अंदर का जो ठंडा हवा है वो ना निकले और इससे डोर खोलने में ज्यादा आसानी होता है अगर सिंगल डोर रहे ठीक है मात्र एक डोर रहे दो डोर ना रहे
तो एक डोर को खोलने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, बट दो डोर की वजह से जो है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और दोनों डोर आसानी से खुल जाता है। ऐसा माइंस में अगर गए होगे तो फिर देखे होगे, एयरलॉक रहता ही है। ठीक है, ये मेन इनटेक और जनरली मेन इनटेक और मेन रिटर्न में बनाया जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा रहता है।